जी हम इस वक्त जिस जगह खड़े हैं ये सब्जी मंडी का इलाका है और सब्जी मंडी का दो नंबर गेट जो है हम अंदर वाली साइड पे हैं। ये डाकखाना जो है ये चौक है और डाकखाने चौक में हम आपको दिखा रहे हैं, जिस चौक में हम खड़े हैं हम आपको बैक साइड पे दिखा रहे हैं। ये देखें जो है पानी के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी ही गंदगी हर तरफ नजर आ रही है और गंदगी इतनी ज्यादा है और जो बदबू है इतनी ज्यादा है कि खड़ा नहीं जो भी इंसान इस जगह पे गुजर रहा है ना वो जो है वो नाक बंद करके गुजरने की कोशिश कर रहा है। इतनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ गंदगी के ढेर है जिस जगह मैं खड़ा हूँ और हर तरफ जो है वो बदबू फैली हुई है इस जगह पे और इंतजामिया जो है वो पता नहीं किस जगह पे है, इंतजामिया नजर नहीं आ रही। और वजीर अला पंजाब जो है वो दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं लाहौर, खास करके लाहौर के जी मैं लाहौर को पैलेस बना दूंगा और अगर यही पैलेस बन गया लाहौर और सब्जी मंडी का यही आ रहा तो वजीर अला फिर जो है ना वो वजीर अला पंजाब जो है उनकी बातें वो सच हो जाएंगी। को दिखाते हैं कि सब्जी मंडी का बाकी जो हाल है वो आपको दिखाते हैं और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं लेकिन इंतजामिया जो है वो सोई हुई है। आए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं मजदूरी करता गटर में, मैं आपके बड़े डिगिया मजदूर है डिगिया बांह टूट गई है तो वो जरा ना गंदगी बड़ी है, सफाई नहीं हो रही। मियाँ साहब शबाज शरीफ आवे, मियाँ शबाज शरीफ का फेरा लगे तो सफाई आँगी, मियाँ शबाज शरीफ ना आवे तो कौन सफाई करता है। कहने पर भी कोई असर नहीं करता और ना कोई परेशानी आ रही है। ये सफाई होनी चाहिए और सफाई का ख्याल रखा जाए और जब बारिश पड़ती है तो फिर तो और ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। गटर शटर कितने शायद नहीं, सब बीमार लोग हो गए जो तुड़े जाने का। सबसे बड़ा शहर है और मंडी सबसे गंदी है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। कोई और ट्रक आता है तो आधा आधा टहर तो उसके किचड़ में गुजर जाते हैं। लाख रुपए का माल पड़ा रहता है, लाख रुपए का ट्रक होता है यहाँ से, कभी एक्सेल फ्री कभी क्या। इंतजामिया को क्या चाहिए? इंतजामिया को चाहिए कि ये करे ये काम, ये सही करे इसको। ये सबसे बड़ी मंडी है पाकिस्तान की। वो कपड़े भी काफी गंदे हो जाते हैं इधर, बहुत निजाम सफाई का बहुत ही निजाम खराब है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि ये जो नई यूनियन है ये बहुत प्यारा काम कर रही थी, इनको भी रोक दिया गया लेकिन इनको काम करने देना चाहिए। ये अच्छा काम कर रही है, मंडी का सारा निजाम इन्होंने बहुत बेहतर कर दिया। जो सदर हैं सब्जी मंडी के वो इस बारे में क्या कहते हैं और जो इनके जो है मसाइल हैं वो इस बारे में वो क्या कहते हैं। नहीं, इस मंडी के मसाइल के लिए डीसीओ को दरखास्त लिखी है और डीसीओ को जाके कहा है, उसके बाद सेक्टरी मार्केट कमेटी को बार बार फोन किया है और एडमिनिस्ट्रेटर को बार बार फोन किया है कि मंडी में चप्पा चप्पा ढेर लगा हुआ है, कूड़ा किरकत इतना है कि वहाँ इतनी बदबू है बंदा गुजर नहीं सकता और इसलिए कोई भी ये गवर्नमेंट का आयल बंदा वहाँ काम नहीं कर रहा, ना कोई कूड़ा उठा रहा है। पूरा ईद से पहले का कूड़ा आप जाके पूरी मंडी में जाके ढेर लगे हुए हैं, एक ट्राली तक कूड़ा नहीं उठाया गया। अगर ये कूड़ा नहीं उठाया गया, जब जो ये डेंगू वायरस जो है जो आप फैली हुई है इसकी वजह से आप देखें कितना पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से डेंगू वायरस यहाँ लाखों लोग जो हैं जो वहाँ पे यहाँ सर्वाइवल करते हैं और लोग आते हैं जो कारोबार करते हैं ये सब डेंगू वायरस के मरीज नहीं बनेंगे। हम वजीर आला से अपील करते हैं कि यहाँ मंडी का निजाम बेहतर से बेहतर करें ताकि यहाँ ये सबसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और इसमें कारोबार तकरीबन करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है और तकरीबन ये अदारा तबाह हो रहा है, इनको इस अदारे को तबाही के दाने से बचाया जाए। लोग जो है इस वक्त इतने ज्यादा परेशान है सब्जी मंडी में कीचड़ गंदगी के ढेर और बदबू से के वो लोग जो है बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दें, खुदारा इस तरफ भी तवज्जो दें। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ मलिक शाहीन, रॉयल न्यूज़ लाहौर।